अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। एंड ये बहुत इजी बन जाती है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद द रेसिपी इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 1 kg चिकन है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्वान्टिटी में, अगर चिकन ज़्यादा हो तो बाकी इंग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी ज़्यादा करें। मीडियम प्याज लिए हैं 3 से 4, इनको मैंने बड़े बड़े काट लिया है क्योंकि हमने इसके बाद में पेस्ट बनानी है, इस साइज डजेंट मैटर। नेक्स्ट उसके बाद है टोमेटो, हम लेंगे 1 बड़ा टमाटर। उसके बाद अदरक लहसुन लेंगे, 2 टेबलस्पून आप अदरक लहसुन के ले सकते हैं, वरना तो जैसे मैंने आपको बताया इतना बड़ा लहसुन और इतना अदरक होना चाहिए 3 चम्मच। हरी मिर्ची मीडियम साइज़ की चाहिए, मीडियम मिल नहीं रही थी तो मैंने छोटी ले ली, 3 से 4, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा ले लें, कम स्पाइसी खाते हैं तो इसको ओमिट भी कर सकते हैं। अचार गोश्त का मसाला किसी भी ब्रांड का, फ्रेश लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ऑयल कुकिंग ऑयल कोई भी ले लें, 1 कप योगर्ट, बड़ा कप होना चाहिए योगर्ट का क्योंकि हमने मैरिनेशन करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन का प्रोसेस ताकि जब तक हम मसाला बनाएं चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट रहे। ये अचार गोश्त हमने मसाला लिया, योगर्ट में मिक्स करेंगे, फिर उसको हम मैरिनेट करेंगे। साथ ही ये हरी मिर्चें, इनमें कट लगा के यही मसाला हम लोग हरी मिर्चों पे भी लगा देंगे। चलें मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपकी रेसिपी में मैरिनेशन का प्रोसेस है तो कोशिश किया करें वो सबसे पहले किया करें, उस कम से कम मैरिनेशन 2 घंटे तक हो तो अच्छा, वो उसमें मीट में फ्लेवर आ जाता है। और इनके अगर तो आपको अर्जेंट बनाना है तो आप मैरिनेट करके जो भी चिकन मीट है आपका उसको फ्रीज़र में रख दें 1/2 घंटे के लिए, वो भी जल्दी मैरिनेशन का प्रोसेस हो जाता है। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतने ही आपके खाने में अच्छा टेस्ट आएगा। हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है, दही में सिर्फ अचार गोश्त का मसाला डाला था। अचार गोश्त किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड मैंने इस टाइम पे यूज़ किया था मेहरान का, तो मैंने इसको सबसे पहले तो मैंने यही प्रोसेस किया था, इसको 2 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। चलें नेक्स्ट स्टेप है, ऑयल को गर्म किया, फिर उसके बाद प्याज लिए 3 से 4 मीडियम प्याज। ये देखिए मैंने इतने बड़े बड़े साइज़ किए, आपकी मर्ज़ी, आप छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हम इसका पेस्ट बना देंगे, वो एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो हल्का सा इसको फ्राई करके अदरक लहसुन इसमें डालेंगे, अगर तो होल अदरक लहसुन नहीं है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। इसको मीडियम हीट पे सिर्फ हम लोग जस्ट ट्रांसपेरेंट इनका कलर करेंगे, ओवर फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह का हमें कलर चाहिए। अब हम इसको मिक्सी या ब्लेंडर में इसकी पेस्ट बना देंगे, और जो इसका ऑयल था वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि अच्छी तरीके से इसकी पेस्ट बन जाए। पानी नहीं डालना आपने, कोशिश करें वही ऑयल डालें जिसमें ये फ्राई हुआ था। ये देखें पेस्ट इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि हमने पानी नहीं डाला, ये थोड़ी सी थिक पेस्ट है। अब ये पेस्ट दोबारा ही हम उसी बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने इसको फ्राई किया था, वही ऑयल होगा इसमें, और इसको तब तक पहले भूनेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। एंड ये नेक्स्ट स्टेप है, इसमें होल स्पाइसेस ऐड करना, मीडियम हीट में आपने इसको ब्राउन करना है ऑनियंस को, ज़्यादा हीट ना हो, स्लोली अबाउट 1-3 मिनट्स इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तकरीबन 1 बड़ी दालचीनी, 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, बड़ी वाली इलायची वो हम इसमें डालेंगे, इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से, साथ साथ इन मसालों की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद हम अपना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था जो मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। हीट हमारी लो टू मीडियम है, लो हीट हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि चिकन अच्छी तरीके से अंदर से कुक भी हो जाएगा एंड अच्छा कलर आ जाएगा, जलने का भी नहीं आपका सालन।
ये देखें हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फ्राई किया, तो ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। इट्स मीन ये कुकिंग प्रोसेस की तरफ जा रहा है। चिकन तकरीबन पक गया हुआ है। जब ऑयल ऊपर आ जाए फिर हम इसके बाद ये टमाटर डालेंगे। जो बड़ा टमाटर मैंने लिया था उसको मैंने जस्ट ब्लेंडर में मिक्स कर लिया था। लेमन जूस डाला, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको 3 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि हमने अभी इसमें टमाटर डाला था, तो दोबारा से हम वेट करेंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद ग्रीन चिलीज, जिनमें मैंने वही योगर्ट वाला मसाला कट करके लगाया था, ये हम डालेंगे। और इसके डालने के बाद 1 से 1 मिनट के लिए बस इसको दम पे रखेंगे। इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है क्योंकि चिलीज़ का क्रंचीनेस ख़त्म नहीं होना चाहिए, कलर भी इसका ऐसे ही ग्रीन रहे। हमने इनको पकाना नहीं, जस्ट उसमें मिक्स करना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें हमारा खाना रेडी है। एंड आप इसको नान, चपाती, रोटी के साथ सर्व करें। रोगनी नान के साथ इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड आई होप यू लाइक माई रेसिपी। डू टेल मी इन योर कमेंट्स आपको कैसी लगी। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह।